दोस्तों आज हमारे पास एक क्रिएटिव का होम थिएटर 2-in-1, इसमें कई तरह के मॉडल आते हैं। ये हमारे पास जो मॉडल था बेसिकली ये क्रिएटिव का 2-in-1 है। तो इसकी ये उसके बेसिकली स्पीकर हैं। तो ये जो स्पीकर 2-in-1 के जो हमारा 2-in-1 होम थिएटर है, कई बार क्या होता है हमारा होम थिएटर ख़राब हो जाता है। उसकी जो बेसिकली होम थिएटर में मेन आईसी एम्पलीफायर आईसी ख़राब हो जाता है तो मिलता नहीं है। तो ना मिलने के कारण हमारा होम थिएटर तो बेकार हो जाता है। इस केस में हमने ये जो स्पीकर हैं इसको कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के साथ कैसे अटैच करने हैं, सारी मैं इसकी विधि बताऊंगा। क्योंकि ये जो स्पीकर हैं इसमें हमने ऐसा सर्किट लगा दिया हुआ है, इसमें पाई ब्लूटूथ वाला भी सिस्टम बना सकते हो। बेसिकली ये इसकी आवाज़ इसकी आउटपुट बहुत अच्छी बन जाती है। तो सारी मैं विधि आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि वो जो हमारा बास एम्पलीफायर है, बास या बॉक्स है, वो बेसिकली हमने उसको डिसकनेक्ट कर दिया हुआ है क्योंकि उसका हमारा आईसी ना मिलने के कारण। तो उसके लिए जगह हमने बेसिकली ये दो स्पीकर हमने यूज़ किए हैं। तो ये दो स्पीकर हैं बेसिकली, इसमें हमने क्या किया मैं आपको सारा बता देता हूँ। देखो इसमें सबसे पहले तो हमने एक एम्पलीफायर की प्लेट, ये 5 वोल्ट एम्पलीफायर की प्लेट है जो मार्केट में आम मिल जाती है, कहीं एलसीडी में भी लग जाती है, कहीं भी लगा सकते हो। तो बेसिकली हमने क्या किया, देखो एक तो हमने एम्पलीफायर की प्लेट यहाँ लगा दी हुई है और यहाँ से देखो दो स्पीकर की आउटपुट है, एक तो ये आउटपुट स्पीकर को चले गई और दूसरी आउटपुट हमने देखो ये वायर बैक साइड से निकाल के स्पीकर यानी दूसरे स्पीकर को दे दी हुई है। और इसके बाद इसकी जो प्री एम्पलीफायर यानी इसको हमने प्री एम्पलीफायर सिग्नल, देखो हमने इसमें अगर कंप्यूटर से अटैच करनी है कंप्यूटर से भी अटैच कर सकते हो और या मोबाइल से अटैच करना मोबाइल से भी अटैच कर सकते हो। और हमने प्री एम्पलीफायर जो सिग्नल देना है बेसिकली हमने क्या किया, इस वॉल्यूम से यानी वो कर दिया, यानी इस देख प्री एम्पलीफायर जो पहले इसमें सिग्नल जो कैपेसिटर लगे हुए हैं प्री एम्पलीफायर सिग्नल इनपुट इसमें दे दिया हुआ है और यहाँ से वॉल्यूम के सेंटर पॉइंट से उठाकर हमने प्लेट को प्री एम्पलीफायर का सिग्नल दे दिया हुआ, यानी ये देखो प्री एम्पलीफायर का सिग्नल हमने यहाँ दे दिया हुआ। और पाँच इसको जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, देखो ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, इसके लिए हमने ये मोबाइल की लीड है, मोबाइल की देखो ये बेसिकली ये मोबाइल की लीड हमने ये मोबाइल का चार्ज 5 वोल्ट यानी इसमें लीड डायरेक्ट लगा दी हुई है और चार्जर ये मोबाइल का चार्जर इसके साथ अटैच करेंगे। तो हमारा ये जो स्पीकर हैं आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, इसकी आउटपुट भी बहुत बढ़िया बन जाती है। तो हमने ये आज ऐसे कंप्लीट सर्किट बनाया, यानी देखो ये हमने वायर बेसिकली देखो एक स्पीकर की आउटपुट है, एक हमारा 5 वोल्ट की आउटपुट है, यानी आप 5 वोल्ट का इसके अंदर अडोप्टर भी लगा सकते हो बेसिकली। पर हमने क्या किया, हमने बाहर मोबाइल का चार्जर इसमें यूज़ किया और ये हमारी प्री एम्पलीफायर जो कंप्यूटर से अटैच करने की लीड है, यानी ये तीनों लीडें हमने अंदर फिक्स कर दी हुई हैं देखो। तो हमारा ये जो बेसिकली ये होम जो हमारा होम थिएटर है जो लोग बेकार था पहले, वो अब हमारा चलने लायक हो गया हुआ, क्योंकि इसमें देखो इसकी आउटपुट भी बहुत बढ़िया बन गई हुई है। और हमारा ये कहने का मतलब है सिस्टम है जो हमारा होम थिएटर है यानी वो बहुत बढ़िया इसकी आउटपुट भी बन चुकी हुई है। तो कहने का मतलब है ये स्पीकर को क्रिएटिव के आप इसी तरह सर्किट लगा के कहीं भी यूज़ कर सकते हो होम थिएटर। तो कहने का मतलब इस सर्किट बनने के बाद इसमें आप ब्लूटूथ भी लगा सकते हो, अगर ब्लूटूथ नहीं है इसको कंप्यूटर से भी अटैच कर सकते हो, मैं अभी आपको चला के भी दिखाता हूँ। तो ये बहुत बढ़िया जो हमने आज मेथड यूज़ किया इसको बनाने में, बस इस सिंपल सी देखो ये थ्योरी है इसकी। देखो ये हमने बेसिकली मोबाइल का चार्जर है इसमें लगाना है, ये सप्लाई हमने बाहर एक्चुअली बना दी हुई है और ये हमारा देखो कंप्लीट सिस्टम हमारा देखो तैयार हो चुका हुआ है। इधर से हमारा वॉल्यूम भी इसमें कम ज़्यादा होगा, देखो इधर से ये देखो दोस्तों हमारा एक्चुअली एम्पलीफायर सर्किट है जो इसमें हमने लगाया था, ये हमारा देखो मोबाइल से भी अटैच कर दिया हुआ, बहुत बढ़िया बन गया हुआ। तो इस तरह आप कई कैसे कभी भी ऐसा सर्किट बना सकते हो, तो बहुत कामयाब है। ओके थैंक यू दोस्तों।